कितनी स्वादिष्ट ये इमली की चटनी यहाँ पर बनकर रेडी हुई है। बहुत ही स्वादिष्ट और यम्मी बनी है, और इतने आसान तरीके से मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगी कि आप कहेंगे इतनी लाजवाब और इतनी स्वादिष्ट चटनी इतनी जल्दी से रेडी हो जाएगी। बाजार के जैसी बिल्कुल बाजार से भी ज़्यादा स्वादिष्ट चटनी बनी है, आप देख सकते हैं। चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पंजाबी कुकिंग तड़का में। आज हम बनाएंगे इमली से बनने वाली स्वादिष्ट मीठी चटनी, जिसे हम टिक्की के साथ और चाट में किसी भी रेसिपी में हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आज हम आपको वो चटनी बताने की सबसे आसान विधि बताएंगे। चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने ली है 200 ग्राम इमली, इसको मैंने ओवरनाइट पानी में डीप करके रख दिया था फ्रेंड्स। अब यहाँ पर ये देखिए आप, अच्छे से फूल चुकी हैं। अब हम मैं अपने हाथों की मदद से इनको यहाँ पर पानी में ऐसे मिक्स कर लूँगी, जिससे कि इसके सभी बीज इससे अलग हो जाएं। ऐसे हमने सभी पल्प को इसके पानी में अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए सभी पल्प यहाँ पर अलग हो चुका है। अब हम इसे स्ट्रेनर की मदद से दूसरे बर्तन में छान लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैंने ये कढ़ाई ली है फ्रेंड्स, इसमें ही मैं यहाँ पर इमली की चटनी तैयार करने वाली हूँ। ये स्ट्रेनर मैंने लिया है, ये छन्नी की मदद से मैं यहाँ पर इमली के सारे पल्प को इसमें छान लूँगी। इस तरह से हमने ये छान लेना है। इसमें हम थोड़े से पानी का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ये सभी पल्प हमने यहाँ पर ये देखें, इस तरह से आसानी से हम चलो ऐसे हमने सारे पल्प को इसमें से छान लेना है। आप देखेंगे बहुत आसानी से पल्प, ये इमली का पल्प इससे अलग हो जाएगा। ये देखिए बड़ी आसानी से ये अलग हो चुका है। हम थोड़े से पानी का यहाँ पर और इस्तेमाल करेंगे फ्रेंड्स, ताकि ये सभी अच्छे से अलग हो जाए। ये देखें यहाँ पर जितनी भी फालतू की चीज़ें थी वो सभी अलग हो चुकी हैं। ये देखिए कितना स्मूथ यहाँ पर पल्प बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए अब हम यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑन करके इसको हम यहाँ पर पकने के लिए इसको रख देते हैं फ्रेंड्स। फुल फ्लेम पर मैंने ये पकने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी, इसमें एक बॉईल आने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी गुड़। 200 ग्राम मैंने यहाँ पर इमली ली थी और 200 ग्राम ही मेरे पास में गुड़ है, जिसे मैंने बारीक कर लिया है। इस तरह से टुकड़ों में इसको तोड़ लिया है फ्रेंड्स। चलिए इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर पल्प अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे गुड़। डेढ़ ग्राम हमने यहाँ पर गुड़ ऐड करना है।
ये देखिए 200 ग्राम हमने जो गुड़ लिया था ये सभी हमने इसमें ऐड कर दिया है फ्रेंड्स। अब हम इसे यहाँ पे अच्छे से पकने देंगे। देखिए फ्रेंड्स 8 से 10 मिनट यहाँ पर चटनी को पकते हुए हो चुके हैं। ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम यहाँ पर मसाले ऐड करेंगे। मसालों में मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 टीस्पून से भी कम है यहाँ पर अमचूर पाउडर लिया है, ये 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम काला नमक लिया है, ये चाट मसाला है 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम, इतना ही आप यहाँ पर गरम मसाला भी ऐड करें फ्रेंड्स। ये तीनों मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हमने इसे यहाँ पे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से कुक करना है क्योंकि ऑलरेडी चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी कितना बढ़िया आया है। ये बहुत ही स्वादिष्ट और यम्मी चटनी बनकर रेडी हुई है। चलिए 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे और कुक होने देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स सिर्फ हमें इसे इतना पकाना है कि इसकी थिकनेस ऐसी लगने लगे। ये देखिए सिर्फ इतनी थिक हमने इसको रखनी है और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। आप इसको फ्रिज में 1 से 2 महीने तक स्टोर करके आराम से रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और जब चाहें अपनी रेसिपी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।